स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया अगरतला से, और वो कह रहा था सर मेरा स्कोर है ना 540 के आसपास अटक गया, भर नहीं पा रहा। ठीक है, दो चीजें समझिए, वो कैटेगरी से है। ठीक है, 540 पे त्रिपुरा में 540 से कहीं नीचे कट ऑफ जाता है। पर जबरदस्त चीज देखिए, सपना है, अरे सर त्रिपुरा से ज्यादा बड़ा सपना है, ऑल इंडिया लेवल पे अच्छी रैंक चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना पड़ता है। मैंने वीडियो का नाम रखा है स्कोर नॉट इंक्रीजिंग इन मॉक टेस्ट, स्कोर नॉट इंक्रीजिंग इन मॉक टेस्ट। आप में से बहुत सारे लोग अब लास्ट टाइम बचा है इस प्रेशर में होंगे कि स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, क्या करें। तो मैं आपको इस वीडियो में ये वाली चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मतलब हबड़ दबड़ में 2x पे 3x पे करके देखिए मत, आराम से देखिए। 3-4 मिनट का ये वीडियो है, आपको समझ आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज, आप अपने दिमाग से प्रेशर हटाइए। ठीक है, प्रेशर आपका दुश्मन है। ठीक है, प्रेशर हटा दीजिए, बहुत सारा टाइम बचा है। आप में से हर जना 10 से 12 घंटे डेली का पढ़ रहा होगा, 10 से 12 घंटे डेली का पढ़ते हैं तो भी 700 घंटे बचे हुए हैं, और 700 घंटे बहुत सारे होते हैं यदि आपका स्कोर अटक गया है और उस चीज को चेंज करने के लिए। ठीक है, 700 घंटे बहुत है। दूसरी बात, तो प्रेशर में नहीं आना। दूसरी बात, इन मैजिक नंबर्स को मत बोलिए जो मैंने आपको बार बार बोला है, 320, 140, 115। इस जो स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था अगरतला में, इसने बायो में इसके 280 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, और 540 उधर आ रहे हैं, 260, वो इतना बुरा स्कोर नहीं है 260, वहां पे 10-20 नंबर बढ़ जाए, पर भाई बायो में 30-40 का स्कोर है ना, है ना। तो ये देखिए, है ना, आप पहले देखिए कि यहां पे कहां पे मैं शॉर्ट पढ़ रहा हूं। ये देखिए 575 पहुंचाता है, ये पिछले साल का ऑल इंडिया कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला बायो 50 मिनट में, ये भी 50 मिनट में, और ये 70 मिनट में। इन दो चीजों को चेक करिए, यहां पे गड़बड़ हो रही है या इस टाइमिंग में गड़बड़ हो रही है। यदि आपका टाइम 50 की जगह यहां पे 70 मिनट लगा, यहां पे भी 70 मिनट लगा, आपके 40 मिनट बचे फिजिक्स के, तो आपका फिजिक्स का पेपर खराब होगा, आपका फिजिक्स का पेपर खराब होगा। तो आपको ये स्कोर टारगेट करना है और इस टाइम में टारगेट करना है। ये टाइम को, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। यदि आप इस टाइम में नहीं कर पा रहे तो फिर ये सारी चीजें होना चालू होंगी। आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लम सिली मिस्टेक है, मैं कह रहा हूं नहीं, आपकी प्रॉब्लम सिली मिस्टेक नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि ये वाले टाइम अचीव नहीं हो रहे, टाइम इश्यू है, है ना। आपको लग रहा है कि आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि ये वाला प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम ये हो कि कुछ जगहों पे कॉन्सेप्ट्स वीक है। ठीक है, और यदि कॉन्सेप्ट वीक है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम 700 घंटे बचा हुआ है। ये मत सोचिए अरे वापस पढ़ रहा हूं अब तो टाइम नहीं बचा, बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट वीक है, रोलिंग मोशन नहीं आता, पेडिग्री एनालिसिस नहीं आता, ठीक है, बफर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं होते इक्विलिब्रियम में। टाइम निकालो आराम से, आराम से, वापस बोल रहा हूं आराम से उसको फिक्स कर लो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम बचा हुआ है। ठीक है, आप यदि खुद को बार बार बोलते रहोगे बेमतलब में प्रेशर में मरे जा रहे हैं, भाई बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, आप आराम से अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। पर आपको चाहिए ये कि आप उन चीजों में ना अटक जाए जो फिक्स ही नहीं हो सकती। सिली मिस्टेक को क्या फिक्स करोगे, उसकी जड़ पे जाओ। जड़ ये है कि सिली मिस्टेक शायद इस वजह से हो रही है कि आप प्रॉपर टाइम नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक दो सिली मिस्टेक इधर उधर कैलकुलेशन की हो गई, पर यह कैसे हो सकता है कि 20 सिली मिस्टेक हो गई, इसका मतलब या तो कॉन्सेप्ट वीक है या फिर टाइम का इश्यू है। ठीक है, नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, वापिस वही प्रेशर ले रहे, प्रेशर मत लीजिए। और दूसरी चीज, आपको यदि लोग बोलते हैं 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप 10 से 12 घंटे आराम से पढ़ पाते हैं और उसके बाद थकान हो जाती है, आराम से 7-8 घंटे सो जाइए, 1-1.5 घंटे का वॉक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-12 घंटे डेली का पढ़ पा रहे हैं सफिशियंट है। अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर आप लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और बेमतलब में ये सारी चीजें होना चालू हो जाएंगी। खाना नहीं खा रहे हैं, स्लीप नहीं हो पा रही है अच्छी तरह, दिन भर थके हुए हैं, प्रेशर लग रहा है, पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीजें होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, और फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, YouTube चैनल्स पे इधर उधर कूद रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी, 5 मंथ स्ट्रैटेजी, रहने दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक चैनल फॉलो करिए, इस चैनल पे नहीं किसी और चैनल एक को पकड़ लीजिए जिनकी बातों को आपको लगता है कि वो जो बोलते हैं उसे आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अदरवाइज मैं आपको सीरियसली रिक्वेस्ट करूंगा,
बहुत सारी एडवाइस आप फ्री की जब इकट्ठी करें यूट्यूब चैनल से और हर एक को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। और मैंने जो आपको बार बार बोला है, लिमिटेड टाइम जब होता है ठीक है तो फोकस करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फोकस रखिए अपना बेसिक चीजों के ऊपर। बेसिक चीजें क्या है, ध्यान रखिए टाइम बहुत सारा बचा हुआ है, इन मैजिक नंबर्स को भूलिए मत, है ना। 320, 140, 115, 50 मिनट, 50 मिनट, 70 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस नजरिए से देखेंगे और उसके बाद आप कहेंगे बहुत टाइम बचा हुआ है। यदि कोई कॉन्सेप्ट वीक है, 9 हफ्ते बाद नीट का एग्जाम है, आराम से कर लूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर लूंगा। ठीक है, तो टाइम निकाल के आराम से अपने कॉन्सेप्ट फिक्स कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्यों नहीं हुआ, नहीं आता कोई बात नहीं, अभी टाइम है ना, फिक्स कर लेंगे, है ना। तो बच्चों होपफुली आप लोग को इस वीडियो से समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो सारी चीजें होती है ना, ये इनकी जड़ कुछ और है, मैंने इस वीडियो में उन्हीं जड़ों को डिस्कस किया है। थोड़ा आत्ममंथन करिए इस वीडियो को देखने के बाद, एक डेढ़ घंटे सोचिए और फिर मुझे कॉमेंट से बताइए कि आपकी, आपको क्या लगता था आपकी प्रॉब्लम है और असलियत में प्रॉब्लम क्या थी। जो असलियत में प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, आपको वो प्रॉब्लम कुछ और लगती होगी। जरा मुझे आप सोच के कमेंट से बताइएगा कि आपको क्या लगता था और असलियत में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है बच्चों।